कोरोना काल के 2 साल बाद जहां ईद के त्यौहार को धूमधाम से मनाने के लिए मुस्लिम समाज द्वारा खरीदारी के साथ साथ भव्य तैयारियां की जा रही है, वहीं इसी बीच देवास जिले के सोनकच्छ में एक परिवार ने ईद को लेकर अनूठा देशभक्ति का संदेश दिया है। परिवार ने राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों में सेवैया बनाई, जो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से सभी त्योहारों पर प्रतिबंध होने के कारण आम जनता ने सादगी से अपने घरों में रहकर मनाया, लेकिन इस साल कोरोना की रफ्तार कम होने के चलते शासन प्रशासन ने सभी प्रतिबंध हटाकर धूमधाम से त्यौहार मनाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यही वजह है कि 2 साल बाद ईद के त्यौहार को लेकर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद को लेकर बाजार में कपड़ों, सिवैया सहित अन्य सामान की जमकर खरीदारी की जा रही है। वहीं मस्जिदों को भी आकर्षक रंगीन रोशनी से सजाया गया है। देवास जिले के सोनकच्छ में आगामी ईद को लेकर अभी से घर घर में ईद के पकवान बनाने का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते महावीर मार्ग में रहने वाली नसरीन कुरैशी ने राष्ट्रभक्ति का संदेश देते हुए राष्ट्रीय ध्वज के केसरी, सफ़ेद व हरे रंग में सिवैया बनाई जा रही है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या नाम आपका? नसरीन कुरैशी। नसरीन भी आज आपने सिवैया का निर्माण करा है, तिरंगा सिवैया बनाई, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस तिरंगा सिवैया के माध्यम से अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब इसी तरह से अमन और शांति बनाए रखें और देश में भाईचारा बनाए रखें। ये संदेश अपने देशवासियों को मैं देना चाहती हूँ। देवास से राम माल्या की रिपोर्ट।